मेरा पोता ड्रामा बाज है मेरा बेटा से भी। तो ड्रोन जा चुका है जी हवा में और अब ऐसा करते हैं इसको उड़ाते हैं थोड़ा सा और कोई अच्छा सा सिनेमैटिक लेते हैं। आप लोगों को एक देते हैं खुशखबरी। जी हाँ, इस खुशखबरी को जो है हम बहुत दिनों से देना चाह रहे थे लेकिन जो है डेट थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा था इसलिए यह खुशखबरी आप लोगों को नहीं दे रहे थे। तो खुशखबरी यह है कि जी हमारे नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। उधर क्रियांश के बाबा पूजा कर रहे हैं तो क्रियांश उधर देख रहा है, ये भी पूजा करेगा, तुम भी पूजा करेगा। तो यहाँ पे क्रियांश को देख सकते हैं, होम्योपैथ का दवा पी रहा है दांत वाला, उसमें भी नटंकी है। मेरा पोता ड्रामा बाज है मेरा बेटा से भी। देखिए क्या किया मेरा बेटा जो था वो भी इससे बेसी ड्रामा बाज। अभी टोपी के लिए करता है ना बदमाशी, इसका पापा जब जाता था ना फील्ड में तो टोपी खोल करके उसको बैग में रख लेता, स्कूल जब जाते थे जाता था फील्ड पहुंचते टोपी खोल। और मोनू हमको कंप्लेन करता है, दीदी बैग में रख लिया ठाका। जब बाबा रहते हैं बाबा बिल्कुल याद नहीं आता इसको, जब बाबा चल जाते हैं चले जाते हैं तो ठाका, तब बाबा 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 क्रियांश बाबा बोल जल्दी, बाबा बोलो, बाबा बाबा तब रोटी देंगे तुमको खाने, बोल जल्दी बाबा का रोटी दे। बहुत अमीर लोग जो है वो लोग रोटी नहीं खाता होगा, मैं क्या खाता होगा हमारे समझ से पड़े था कि अमीर लोग क्या खाता है। जब देखते हैं तो आप लोग समझ हो गया, देखते हैं अमीर गरीब सब रोटी के भात खाता है। तो अभी अभी पापा को कोर्ट छोड़ करके आए हुए हैं और अब जो है क्रियांश थोड़ी सी नीचे तबाही मचा रहा है, लगता है क्रियांश को भूख लग गई है। वैसे उसको कुछ खिलाया तो था लेकिन उसको जो है संतोष तब तक नहीं होता है जब तक दूध नहीं पीता है, तो इसलिए जो है उसको अब दूध पिलाएंगे। बोतल लेने आए हैं, नीचे था नहीं तो लेकर के चलते हैं और दादी वहां पर अब उसका दूध बनाएगी फिर। हाँ, लेकिन जब तक उसको एक बार लेगी ना तो संतोष नहीं, बस वही होता है, और घूमेंगे फिरेंगे ये करेंगे वो करेंगे। तो उसको थोड़ा सा के बदले अब हमको लगता है कम दो घंटा लेगा। नहीं नहीं वो हम सुला देंगे अभी उसको, तो वो दूध पिएगा उसके बाद उसको सुला देंगे। तो अभी बउआ चला गया नीचे और इधर हमारे बेड का हाल देख सकते हैं, तो इसको मैं जल्दी से ठीक करूंगी जब तक वो आ जाएगा, उससे पहले हो जाना चाहिए क्योंकि वो आएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसको लेके एक इंसान को बैठना पड़ता है, नहीं तो कभी इधर भाग जाता है कभी उधर भाग जाता है, उसमें कहीं ना कहीं उसको चोट लग जाती है, तो इस वजह से कोई एक काम करता है तो एक को बैठना पड़ता है। देख सकते अभी हमारे रूम का क्या हाल है, इतने सारे ब्लैंकेट है क्योंकि उसको घेर के रखती हूँ इधर उधर से पूरा एकदम कि वो गिरे नहीं। बस वैसे तो दिन में यहाँ पे मैं बेड बिछा के रखती हूँ, दिन में ही रहता है, बस रात में हम लोग बेड पे सोते हैं, तो जल्दी से ठीक करते हैं। तो जी आपने ब्लॉग का टाइटल देख लिया होगा। हाँ जी, तो ब्लॉग के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम जो है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे जो भाई है उसकी शादी होने वाली है, सोचा था कि यह न्यूज जो है आपसे थोड़ी जल्द शेयर करेंगे लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि एक सही समय आने का तब आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक आया हुआ है कुरियर, तो जब हमने खोला मालूम चला कि हमने जो लैंडिंग पैड ऑर्डर किया था ड्रोन के लिए वो हमारा आ चुका है, तो पहले इसको खोलते हैं इसके बारे में भी करते हैं बातचीत। तो वैसा करते हैं जी, इसको करते हैं अनबॉक्स, वैसे अनबॉक्स तो हो ही चुका है, इसका जो ऊपर का कवर था वह सब कुछ हटा चुके हैं, जो कार्टन सब था, अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है जी यह, तो यह आपको बहुत छोटा जैसा लग रहा होगा लेकिन असल में ये बड़ा जैसा हो जाता है, यूट्यूब पे हमने देखा था। फिलहाल इसको खोल करके देखते हैं आखिर इसका साइज कितना बड़ा है, इसको देखा था कि आराम से खोलना होता है वरना बहुत तेज खुलता है। ये देखिए, तो ये लगभग इतना बड़ा साइज का है, ये इसको हम नीचे रख देंगे। इसके साथ जो है स्टैंड भी मिला हुआ है हमें, जो कि मान लीजिए रेगिस्तान हो मतलब जो भी बालू वाला इलाका हो तो इस पर डस्ट नहीं आए, तो
तो उसके लिए जो यह दिया हुआ स्टैंड मेरे ख्याल से यही है इसका पर्पस। बाकी इसका कुछ और पर्पस होगा, आपने से जिसको मालूम है कमेंट करके नीचे बताइएगा। तो अब ऐसा करते हैं जी, इसको पैक करते हैं और लेकर के चलते हैं छत पर ड्रोन और कुछ कुछ फुटेज लेते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हमने किया है और आपको बहुत जो है फुटेज दिखाते हैं और आप लोग बताइएगा कि कौन सा फुटेज आपको अच्छा लगा। अलग अलग फुटेज लेने वाले हैं हम। तो साथ में दिया हुआ है यह रेडियम, सोचा कि ड्रोन उड़ाने से पहले जो है इस रेडियम को इसमें लगा देते हैं, रात के लिए काफी अच्छा रहेगा। वैसे अभी रात है नहीं लेकिन लगा करके रख ही लेते हैं क्योंकि उसे वेस्ट जाएगा ये। तो हम आ गए हैं छत पर और जब छत पर आए तो देख रहे हैं माँ जो यहाँ पर अपना धूप सेक रही है और हम जो है अपना यहाँ पर ड्रोन लेकर के आ गए हैं। तो अब ऐसा करते हैं एक एक करके उड़ाते हैं और अलग अलग शॉट लेते हैं। तो अभी हम आ गए छत पे, बिल्कुल रूम से हिलने का मन नहीं कर रहा था, बुला लिए छत पे। तो अब ऐसा करते हैं जी, अब एक एक करके सारा शॉट लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ फुटेज लेते हैं तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो जिया तुम भी खड़ी हो जाओ। ये हमेशा बुला लेते हैं, करते कुछ भी नहीं, इसलिए हम इनके पास आने का मन नहीं करता है। हमको कल भी बुला लिए, रिया चलो तुम्हारा कुछ रील्स बना देंगे क्योंकि इनको पता था रील्स के नाम पे दौड़ी भी आएगी। और आ गए, कुछ नहीं बनाए, झूठ फूस का इधर से उधर कर दिए, टाइम वेस्ट कर दिए। इतने देर में मेरा कितना अच्छा अच्छा रील्स बन जाता, हम खुद बना लेते। बाय बाय, तो ड्रोन जा चुका है जी हवा में और अब ऐसा करते हैं इसको उड़ाते हैं थोड़ा सा और कोई अच्छा सा सिनेमैटिक लेते हैं। अच्छा सा हवा है लेकिन बहुत। तो यह था जी हमारा पहला शॉट, अब लेते हैं एक दूसरा शॉट। तो यह था, इसको कहते हैं ड्रोन शॉट्स में जो है कस्टमाइज दिया हुआ है बटन, तो मुझको कुछ भी अपना एफर्ट का जरूरत नहीं है, सिंपल सा उसको क्लिक करना है और उस तरह का फुटेज ले लेगा। तो अब लेते हैं एक दूसरा शॉट। तो जी हमने ले लिया दूसरा शॉट और अब लेते हैं तीसरा शॉट। और तीसरे शॉट का नाम है सर्कल, तो वह सर्कल टाइप का लेगा तो आप लोग देखिएगा। वैसे सर्कल सुनने में बड़ा अजीब जैसा लग रहा होगा लेकिन जब उसका सिनेमेटिक शॉट आएगा बड़ा बेहतरीन सा आएगा, अभी आप लोग देखिए। ऐसे मेरा बेटा भी रहता ना तो बहुत खुश होता, बहुत ज्यादा वो एकदम शोर मचा रहा होता है जबरदस्त, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी वो सोया हुआ है और ठंडी हवा भी चल रही है तो अभी उसको लेके नहीं आ सकते। तो यह तो हमने ले लिया एक सर्कल वाला और एक है इसमें शॉट, वो बड़ा ही बेहतरीन है, मुझे लगता है कि शायद यही वाला है। तो अभी आप लोग देखिएगा कि आखिर कैसा आता है वह। और जो तो लास्ट वाला शॉट है सबसे बेहतरीन शॉट हमको यही लगता है। आप लोग इसको देखते होंगे 360 कैमरा में भी देखते होंगे, इसमें भी वो फीचर दिया हुआ है। तो जल्दी से इसको लेते हैं बिना देरी किए हुए। देख सकते हैं इनकी छत पे इन्होंने उतार दिया है। कैसा लग रहा है? बच्चा भाग रहा है, उनका रिकॉर्ड कर लेते हैं। बच्चा भाग रहा है, डर रही है सब। तुम डराने गया था सबको। तो सारा शॉट ले लिया क्या? तो हमने जी सारा फुटेज ले लिया जो भी लेना था और आप लोग बताइएगा कि कौन सा फुटेज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अब ऐसा करते हैं इसको समेटते हैं और अब सीधा चलते हैं नीचे। चलिए, ये रहा आपका बैग। देते हैं, हम जाते हैं। ठीक है, 3 hours later। तो जिया यहाँ पर बैठ गई है जी और हम भी बैठे हुए हैं और आग सेक रहे हैं क्योंकि ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आप लोगों को एक देते हैं खुशखबरी। जी हाँ, इस खुशखबरी को जो है हम बहुत दिनों से देना चाह रहे थे लेकिन जो है डेट थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा था, इसलिए यह खुशखबरी आप लोगों को नहीं दे रहे थे। तो खुशखबरी यह है कि जी हमारे एक और भाई है तो उनकी शादी होने वाली है और उनकी शादी होगी अररिया में, तो हम लोग जो है अररिया जाएंगे। शॉपिंग भी होगी, बस शादी का जहनामा है तो शॉपिंग तो होना है ही। और हम लोग जाने वाले हैं पटना शॉपिंग करने के लिए। तो शादी की खुशी है कि शॉपिंग की खुशी है? क्या
क्या कह सकते हैं, दोनों की खुशी है, दोनों की खुशी अपनी अपनी जगह है। ठीक है, शादी आया फिर तो शॉपिंग। हाँ जी, तो हम लोग जाने वाले हैं पटना, पटना से जाकर के कुछ खरीदारी करेंगे। वैसे जिया बोल रही थी बहुत दिनों से आप जो है कुछ भी ज्वेलरी नहीं दिए हैं, तो अब जो है ज्वेलरी हमको लेना है। तो हम कहे चलो कोई बात नहीं, तो तुमको दे देंगे। लेकिन पता चला क्या अपने एक दोस्त से कि तुम जो है पटना आ जाओ और यहाँ पर जो है अच्छा अच्छा रेट मिल जाएगा तुमको, बड़ा बड़ा दुकान है सब यहाँ पर, चार्ज कम लगेगा। हाँ, तो हम लोग जो है पटना जाएंगे और वहाँ से जो है कुछ कपड़ा सब भी खरीदेंगे और कुछ गैजेट सब का भी कोशिश कर रहे हैं कि ले ले। कहीं जाए तो गैजेट के बिना उनका सब कुछ अधूरा होता है। हाँ बिल्कुल जी, जैसे आपको ज्वेलरी पसंद है वैसे हमें गैजेट पसंद है। तो हम लोग ज्वेलरी के नाम पे ना ऐसे चिड़ मस्ती है, चिड़। उसे कहा जाता है कि जब ज्वेलरी के बारे में बुराई करे तो औरतों से जो है और लड़कियों से जो है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जो है ज्वेलरी के खिलाफ जैसे ही बोलेंगे कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ये जो है ना हमेशा, अगर हम कभी भी किसी से वैसे तो हम इनके सामने जल्दी बोलते ही नहीं, ज्वेलरी चाहिए ज्वेलरी चाहिए, अगर बोले तो फिर मतलब कह नहीं सकते, ऑन कैमरा वो चीजें हम नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब इनको ज्वेलरी पसंद ही नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि हमको ये चीजें चाहिए तो बोलेंगे तुम अपने पैसे से खरीदो। जी हमारा पसंद है गैजेट, हमारा पसंद है और भी तो बाकी सारा चीज है उसमें हम, और हम सभी को जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं तो आपकी जो पसंद, और जो है हम ज्वेलरी का बात क्या है कि उससे जो है गोल्ड का जो रेट है आप लोग थोड़ा चेक करके देखिएगा, बहुत कम ही रेट से वह बढ़ता है, और उससे अच्छा तो आप जो है अपने पैसे को एफडी में डाल दीजिए, उससे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा आपको। एक तो पैसा, एक तो पैसा आपका इतना ज्यादा रिस्क पर और उसके बाद जो है रिटर्न मिलेगा इतना कम। कोई बात नहीं, नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तो माँ का भी जन्मदिन आ रहा है 26 जनवरी को, तो माँ के लिए जो है कुछ ना कुछ जरूर लेना है। माँ को जो अभी तक कुछ भी शानदार गिफ्ट नहीं दिए हैं, तो चाह रहे हैं कि इस बार कुछ अलग जैसा गिफ्ट दे हम लोग। और साथ ही है उस दिन जी 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस, तो उसके बारे में किसको नहीं पता होगा जी, तो तीन तीन इम्पोर्टेंट चीज है, बर्थडे, शादी, बिल्कुल शादी। तो उम्मीद करते हैं जी वह जो दिन है जबरदस्त होने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्या मेरा एग्जाम, तो जिया का एग्जाम भी है, एक दिन पहले पहले है, तो जिया शादी में जाएगी कि नहीं जाएगी यह भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब इस वीडियो को इसी के साथ खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके जाइएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आप, और हाँ जी हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।